हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोगों को आवाज आ रहा है मेरा, तो हम लोग स्टार्ट करें। गुड इवनिंग एवरीवन। रिस्पॉन्ड सो आई कैन बी स्टार्ट। मनप्रीत काजल, ओके। तो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सॉरी फॉर द डिले। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स एंड ऑल्सो यूजफुल फॉर द यूपी पीजीटी। पीजीटी जो लोग इकोनॉमिक्स में दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी यूजफुल है। तो आज हम लोग बात करेंगे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है, कि व्हाट इज ऑल अबाउट द आरईआईज, और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है। तो पहले विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है क्या है। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द बेसिक इंटीग्रेशन। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा देश, स्टार्टिंग सुनिए, कि जब जो दो या दो से ज्यादा देश आपस में मिलकर एक अग्रीमेंट बना लेते हैं, एक अरेंजमेंट कर लेते हैं फॉर जस्ट बिकॉज ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इज कॉल्ड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज एन अरेंजमेंट अमॉन्ग द नेशंस दैट टिपिकली इंक्लूड द रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एम्स टू रिड्यूस कॉस्ट फॉर बोथ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड टू इंक्रीज ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज इन्वॉल्व इन द अग्रीमेंट। सिंपल समझिए कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता क्या है, जब दो या दो से ज्यादा देश आपस में मिलकर एक समझौता कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। देर इज ए फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री। एक देश से दूसरे देश में जाकर आदमी इजिली बिजनेस कर सके, नौकरी कर सके। इसके लिए हम लोग कुछ और कहीं ना कहीं इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस और टैक्सेस और ड्यूटीज को कम करने के लिए, कुल मिलाकर हम लोग फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, एक अंतरराष्ट्रीय ट्रेड को प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं, आपस में एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। गॉट इट? सिंपल। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द लेयर्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कि आरईआईज के लेयर्स कौन कौन सी होते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आया भी है कई बार, इसको सिक्वेंसिंग में लगाने के लिए भी आया है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेप्स क्या है। तो वी हैव द फाइव लेयर्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप लोग को आरईआई समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से बता रहे हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है जब दो या दो से ज्यादा देश आपस में मिलकर एक समझौता कर लेते हैं, अग्रीमेंट कर लेते हैं, टू जस्ट बिकॉज द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज कॉल्ड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आरईआई के तहत हम लोग क्या करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू फोकस, वी ऑलवेज ट्राई टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड। देर शुड बी सम सर्टेन फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री। देर
ठीक है, या और हम लोग बात करते हैं दूसरा, या तो इधर मिनिमाइजेशन ऑफ टैक्सेस और रिमूवल ऑफ टैक्सेस, या तो कोशिश करते हैं कम से कम टैक्सेस कर दें, या हम लोग टैक्सेस को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हटा दें, उसके लिए हम लोग रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फॉर्म करते हैं। अब क्वेश्चन मार्केट में रेज होता है कि किस किस तरह से दुनिया की जो सारे देश हैं वो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को फॉर्म करते हैं। आपने सुना होगा नाफ्टा का नाम सुना होगा, यूरोपियन यूनियन का नाम सुना होगा, एशियान हो गया, सार्क हो गए, और ऐसे दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज ने, बहुत सारे देशों ने आपस में एक समझौता करके रखा है, और दे हैव गिवन द डिफरेंट नेम, अलग अलग ग्रुप का अलग अलग नाम है। G20 का नाम सुना होगा आपने, G7 का नाम सुना होगा, G12 का नाम सुना होगा। तो हम लोग बात करते हैं कि लेबल्स कौन से होते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। तो हम लोग के पास कॉमनली 5 लेबल्स है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। पहला हो गया प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, दूसरा फ्री ट्रेड एरिया की हम लोग बात करेंगे, तीसरा कस्टम यूनियन की बात करेंगे, चौथा कॉमन मार्केट की बात करेंगे, पांचवा हम लोग इकोनॉमिक यूनियन की बात करेंगे। तो वी हैव द सर्टेन 5 लेयर्स ऑफ REIs। वो पांचों लेयर्स कौन कौन सी हैं? स्टार्ट होगा प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट से, सेकंड हो गया फ्री ट्रेड एरिया, थर्ड हो गया कस्टम यूनियन, फोर्थ हो गया कॉमन मार्केट, एंड फिफ्थ हो गया इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या आ रहा है? तो ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि स्लाइड शो में पूरा देख नहीं रहा है। समझ गए? तो कौन कौन सी पांचों रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की लेयर्स हो गई? प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक यूनियन। अब हम लोग बात करते हैं ये पांचों होते क्या है। तो पहले हम लोग बात करेंगे प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है। इसका आपको नोट्स भेज देंगे, उसमें आपको ठीक से समझ में आएगा। प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट होता है कि प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट अमॉन्ग द ग्रुप ऑफ द कंट्री, जब दो देश, देखिए अग्रीमेंट क्या होता है, अग्रीमेंट इज ऑलवेज फॉर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक पार्टी ऑफर करेगी, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, इट विल बी बिकम द अग्रीमेंट। तो देखो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे लोएस्ट फॉर्म कौन सी है प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट उसकी, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की सबसे हाईएस्ट फॉर्म कौन सी है। तो सबसे लोएस्ट फॉर्म होगा प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, जिसको लोग PTAs बोलते हैं। ठीक है, मतलब सबसे लोअर लेयर, इसको हम लोग लेयर्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ही बोलते हैं, लेयर्स, LAYERS। तो लेयर्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सब कुछ सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे लोअर स्टेज कौन सी है, लोअर लेवल कौन सा है, या लोअर लेयर्स कौन सी है। तो स्टार्टिंग है सबसे पहले प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। हाईएस्ट फॉर्म कौन सी है? इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, अब हम लोग पहले एक एक करके पांचों को बताएंगे प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है। आई थिंक आपको अभी तक की रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट द REIs। तो प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा देश आपस में मिलकर एक समझौता कर लेते हैं फॉर सर्टेन कमोडिटीज, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर सर्टेन टू टैक्सेस, इज कॉल्ड प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। ये समझ लीजिए कि अग्रीमेंट जो होता है समझौता, उसमें हमेशा दो पार्टी होती है, एक ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या होता है? जो एक ऑफर ही करता है और जो एक पार्टी उसको एक्सेप्टेंस लेती है, बाद में उसका उसमें इन्फोर्सिबिलिटीज ऑफ लॉ होता है, तो वो क्या बन जाता है? इट बिकेम द अग्रीमेंट। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज विल बी बिकम द अग्रीमेंट। अब प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट के तहत हम लोग क्या करते हैं, जब दो देश आपस में मिलकर कुछ सर्टेन कमोडिटीज के लिए, अभी आपको लाइव एग्जांपल देंगे उससे समझ में आएगा, जब दो देश आपस में मिलकर सर्टेन कमोडिटीज के लिए एक समझौता कर लेते हैं कि ठीक है 10 कमोडिटी हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे और 10 कमोडिटी आप मेरे देश को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कि यूएस और चाइना का एग्जाम्पल है, भारत और यूएस के एग्जाम्पल है कि ठीक है 10-15 कमोडिटी का आपको 10-15 कमोडिटीज हम बता रहे हैं कि ये कमोडिटीज आपके देश में हम भेजेंगे, आपको इस पे क्या करना पड़ेगा, कम टैक्सेस लेना पड़ेगा। इसी तरह सामने वाली कंट्रीज के साथ आप अग्रीमेंट कर रहे हैं, वो बोलेगी ठीक है दीज मेनी कमोडिटीज वी आर गोइंग टू बी एक्सपोर्ट टू यू एंड यू हैव टू बी टेक द सेम पॉलिसीज, व्हाट एवर द पॉलिसीज वी आर टेकिंग फॉर यू। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में क्या होता है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंतर्गत जो प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट पहला समझौता जो करते हैं, दोबारा आपको बता रहे हैं कि प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट में दो कंट्री होती हैं, दो कंट्री आपस में एक सर्टेन कमोडिटीज के लिए
समझौता कर लेते हैं सर्टेन टाइम्स के लिए कि वेन एवर वी विल डू एनी ट्रेड फॉर दीज मेनी गोड्स तो वी हैव टू बी प्रोवाइड सम सर्टेन रिलैक्सेशंस ऑन द टैक्सेस एंड ड्यूटीज इज कॉल्ड प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। कोई डाउट, किसी को डाउट हो तो प्लीज बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़े। प्लीज बताइए प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट में किसी को कोई डाउट है? मनप्रीत, काजल, प्रतिमा, आप ठीक है? तो प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट हो गया। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं फ्री ट्रेड एरिया और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि फ्री ट्रेड एरिया इज द लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एंड लूजेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमॉन्ग द कंट्रीज। इसमें क्या करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा देश आपस में मिलकर एक अग्रीमेंट कर लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है नाफ्टा, आप लोगों ने सुना होगा, आपके सिलेबस में भी है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इसमें क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा देश आपस में मिलकर एक समझौता कर लेते हैं, एक अग्रीमेंट बना लेते हैं, और अग्रीमेंट किस चीज के लिए बनाते हैं कि एक आपस में जब भी कोई ट्रेड करेंगे दे विल टेक लेस ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, तो नाफ्टा एक अपने आप में सिलेबस, अपने आप सिलेबस में एक टॉपिक आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो फ्री ट्रेड एरिया समझ लीजिए कि फ्री ट्रेड एरिया और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में क्या करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा देश आपस में मिलकर एक समझौता कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, तो ये पीटीएस क्या होता है, सर्टेन कमोडिटीज के लिए होता है। याद रखिएगा, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट में केवल दो देश होते हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में, फ्री ट्रेड एरिया में दो से ज्यादा देश भी हो सकते हैं। और इसमें क्या होता है, वो सर्टेन कमोडिटीज के लिए होता है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। बस हम लोग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करते हैं, ये हमेशा एक बार बना लिया, इसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं होती, चलता रहता है 5 साल 10 साल तक की, ये लॉन्गर पीरियड्स के लिए होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो लोग आपस में जो देश है, जैसे नाफ्टा की हम लोग बात करेंगे, अमेरिका, मैक्सिको एंड कनाडा, यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा, दीज थ्री आर द कंट्री ऑफ कंट्री इन नाफ्टा, तो जो एक समझौता बना के रखा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि जब वो आपस में ट्रेड करते हैं दे हैव देयर ओन पॉलिसीज। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग प्रमोट इसीलिए, हम लोग बनाते इसीलिए कि ताकि अंतरराष्ट्रीय ट्रेड को प्रमोट करें, देयर विल बी ए फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री। बट दूसरा क्या होता है, ये जो देश जो आपस में जो जिन जिन मेंबर ने मिलकर बनाया है, जिन कंट्रीज ने मिलकर एक समझौता किया है, बट वो देश नॉन मेंबर कंट्रीज से, मतलब दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार करेंगे, दे विल फॉर्म देयर ओन पॉलिसी। समझ है, मतलब क्या है कि मतलब आपस में अमेरिका, मैक्सिको एंड कनाडा जो ट्रेड, जो भी टैक्सेस ड्यूटी रखना चाहता है, जो भी पॉलिसी रखना चाहता है वो रख ले, आपस में जितना छूट देना, जितना रिबेट देना, दे ऑल अप इज टोटली डिपेंडिंग ऑन देयर पॉलिसीज। बट वेन एवर दीज कंट्रीज विल बी डू ट्रेड विद द अक्रॉस द ग्लोब, मतलब ये तीनों देश अब दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार करेंगे, ये अपनी अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं। मतलब यूएस अलग पॉलिसी बनाएगा भारत के लिए, मैक्सिको अलग पॉलिसी बनाएगा भारत के लिए, कनाडा अलग पॉलिसी बनाएगा। तो फ्री ट्रेड एरिया में समझ लीजिए क्या है, फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री। मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि इन्हें फ्री ट्रेड एरिया मेनी बैरियर्स टू ट्रेड अमॉन्ग मेंबर कंट्रीज और रिमूव। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो आपस में कंट्री, या देर विल बी ए लेस बैरियर्स इन अ फ्री ट्रेड। यस मनप्रीत, ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं जो आपस में जिन कंट्रीज ने एक अग्रीमेंट या ये अग्रीमेंट बनाया है, आपस में हम लोग कम से कम टैक्सेस और कम से कम बैरियर्स लेंगे, बट दुनिया ये देश जो इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के मेंबर हैं, जो मेंबर दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार करेंगे, दे कैन फॉर्म देयर ओन पॉलिसीज। मतलब अगर यूएस भारत से व्यापार कर रहा है 10% पे, तो मैक्सिको 15% पे कर सकता है, कनाडा 20% पे कर सकता है, कोई दूसरे को नहीं बोलेगा। मतलब बोलो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपस में ट्रेड करेंगे उसके लिए समझौता है, बट वो दुनिया के दूसरे देशों का समझौता, दूसरे देशों के साथ व्यापार करेंगे, तो एक कंट्री दूसरी कंट्री को बोल नहीं सकती है।
तो फ्री ट्रेड एरिया आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कस्टम यूनियन को। कस्टम यूनियन क्या होता है, कस्टम यूनियन समझ लीजिए, कस्टम यूनियन भी ऑलवेज क्रिएट बिकॉज ऑफ टू क्रिएट द मोनोपोली इन द मार्केट। जब पूरे दुनिया में एक मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं, हम लोग कस्टम यूनियन क्रिएट कर लेते हैं। कस्टम यूनियन होता क्या है, कस्टम यूनियन का एग्जाम्पल है गल्फ काउंसिल कॉर्पोरेशन, जीसीसी। इसमें क्या है, व्हेन द टू और मोर देन टू कंट्री फॉर्म सम सर्टेन कस्टम यूनियन जस्ट बिकॉज ऑफ टू क्रिएट द मोनोपोली इन द मार्केट इज कॉल्ड कस्टम यूनियन। फ्री ट्रेड एरिया और कस्टम यूनियन में डिफरेंस समझ लीजिए, आपको दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। कस्टम यूनियन में भी, जैसे कस्टम यूनियन है, आपने सुना होगा गल्फ काउंसिल कॉर्पोरेशन का नाम ना सुना हो, लेकिन सऊदी अरबिया, दुबई, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, ईरान, इराक, इन सब देशों ने मिलकर एक कस्टम यूनियन क्रिएट करके रखा हुआ है। अब ये लोग क्या करते हैं, देखिए कस्टम यूनियन आपने क्रिएट कर लिया, तो इसमें कि आपस में जो भी व्यापार करेंगे दे कैन फॉलो देयर ओन पॉलिसीज। ठीक है, मतलब 10% टैक्स लेना है, 5% टैक्स लेना है, देयर विल बी ए लेस टैक्स एंड ड्यूटी, देयर विल बी ए रिमूवल ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी, देयर विल बी ए मिनिमाइजेशन ऑफ टैक्सेस, देयर विल बी ए फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। बट क्या होगा, जब कस्टम यूनियन के मेंबर दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार करेंगे, दे हैव टू बी फॉलो द कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, कॉमन पॉलिसी बनाना पड़ेगा। मतलब अगर सऊदी अरबिया भारत से व्यापार कर रहा है, दुबई भारत से व्यापार कर रहा है, जॉर्डन भारत से व्यापार कर रहा है, दे हैव टू बी फॉलो द सेम पॉलिसी। फ्री ट्रेड एरिया में बताया था वो आपस में व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, बट दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार करेंगे तो वो अपनी अपनी पॉलिसी बना सकते हैं। बट कस्टम यूनियन में बता रहे हैं, जो कस्टम यूनियन के मेंबर होंगे, आपस में जो पॉलिसी बनाई बना ली, वो उनका है, पूरा उनका इंटरनल मैटर है। बट उनके मेंबर जो दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करेंगे, तो सबके सब देश एक जैसी पॉलिसी बनाएंगे दुनिया के नॉन मेंबर के लिए। समझ गए, तो मेंबर्स ऑफ कस्टम यूनियन डिसमेंटल बैरियर्स टू ट्रेड इन अ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग देमसेल्फ। आपस में जो कुछ भी करना डिसमेंट कर दिया, आपस में सब बैरियर्स को रिमूव कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, बट दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार करेंगे। कस्टम यूनियन एस्टेब्लिश ए कॉमन ट्रेड पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू द नॉन मेंबर्स। ये याद रखिएगा, तो दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार करेंगे तो हम लोग एक कॉमन एक्सटर्नल टैक्सेस की बात करेंगे, एक्सटर्नल बैरियर्स की बात करेंगे। ठीक है, समझ गए कि एक देश दूसरे देशों का जितना टैक्स ले रहा है तो दूसरे देश को भी उतना ही टैक्स लेगा, तीसरा भी लेगा। मतलब ग्रुप में 10 दोस्त है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, तो एक ने भारत के साथ जैसा व्यापार करा तो दूसरा ही वैसे ही व्यापार करेगा, तीसरा ही वैसे ही व्यापार करेगा, चौथा भी वैसे ही व्यवहार करेगा। देर विल नॉट बी एनी, आपका कोई भी मिसमैच नहीं होगा, देर विल बी ए कॉमन ट्रेड पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू द नॉन मेंबर्स। सिंपल, समझ गए, बताइए दोनों समझ में आ गया, फ्री ट्रेड और कस्टम यूनियन। प्लीज रिस्पॉन्ड करिए इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट, क्योंकि दोनों पक्का प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट से और इससे मतलब आपका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से एक या दो क्वेश्चन आने ही आना है, तो बिल्कुल भी ठीक से समझ लीजिए, बहुत टाइम है हम लोगों के पास। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कॉमन मार्केट की। कॉमन मार्केट क्या होता है, कॉमन मार्केट हैज नो बैरियर्स टू ट्रेड अमॉन्ग मेंबर्स एंड हैज ए कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसीज। ठीक, and factor of productions are mobile among the members, and members of a common market must be prepared to cooperate closely in monetary, fiscal and employment policy. देखिए common market क्या होता है, common market के example है CARICOM, CARICOM, Caribbean Communities of Common Market। हमने एक बार प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट बना लिया, फिर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बना लिया, कस्टम यूनियन बता दिया आपको, कॉमन मार्केट में क्या करते हैं। कॉमन मार्केट का मतलब होता है कि हम लोग जो दुनिया के जितने भी देश हैं जिनकी कुछ अंडर डेवलप्ड एरियाज होते हैं, कॉमन मार्केट भी क्रिएट, द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ कॉमन मार्केट टू डेवलप द अंडर डेवलप्ड एरिया। हम लोग दुनिया के हर देश में कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो अंडर डेवलप्ड एरियाज होते हैं, तो उन अंडर डेवलप्ड एरियाज को डेवलप करने के लिए हम लोग कॉमन मार्केट को क्रिएट करते हैं। और कॉमन मार्केट में क्या करते हैं,
एक बार एक देश ने एक मार्केट क्रिएट कर लिया, उसके बाद वो दुनिया के दूसरे देशों को बुलाता है कि आप आइए, यू कैन कम ओवर ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेसेस। अब मुद्दा उठता है कि कोई अंडर डेवलप्ड एरियाज में व्यापार करने क्यों आएगा। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जिस कंट्री ने कॉमन मार्केट क्रिएट किया है, सब बैरियर्स को रिमूव कर देता है, मतलब जितने भी अंतरराष्ट्रीय ट्रेड में बैरियर्स होते हैं उन सबको रिमूव कर दिया जाता है कॉमन मार्केट के तहत। उसके अलावा 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो भी आपने कॉमन मार्केट की पॉलिसीज बनाई हैं, आप 5 साल 10 साल के लिए टैक्सेस में रिबेट दे सकते हैं, सस्ती जमीन दे सकते हैं, सस्ता लेबर दे सकते हैं, बैंक से लोन सस्ता दिला दिया, रिपेमेंट पीरियड 5 साल के बाद बोल दिया। क्योंकि दुनिया का कोई भी देश आपके देश में व्यापार करने आ रहा है, वो भी अंडर डेवलप्ड एरियाज में आ रहा है, कॉमन मार्केट में व्यापार करने आ रहा है, तो वो आएगा, इसीलिए कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट देना पड़ेगा। तो याद रखिए, कॉमन मार्केट भी ऑलवेज क्रिएट जस्ट बिकॉज ऑफ टू डेवलप द अंडर डेवलप्ड एरिया, एंड कॉमन मार्केट हैज नो बैरियर्स टू ट्रेड अमॉन्ग मेंबर्स एंड हैज ए कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी। मतलब जो भी एक जिसने जिस कंट्री ने कॉमन मार्केट क्रिएट करा है, वो दुनिया के सारे देशों के लिए एक जैसी पॉलिसीज बनाएगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर मूवेबल अमॉन्ग द मेंबर्स, हम लोग कोशिश ही हम लोग करते ही कॉमन मार्केट क्रिएट इसीलिए करते हैं कहीं ना कहीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और दुनिया के जो देश भी ये कॉमन मार्केट में व्यापार करना आते हैं, तो दे लोग कहीं ना कहीं क्लोजली मॉनिटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज को एक साथ रखकर काम करते हैं, ठीक है। तो कॉमन मार्केट समझ में आ गया होगा। कॉमन मार्केट बेसिकली बी जस्ट क्रिएट टू डेवलप द अंडर डेवलप्ड एरियाज। व्हाई कंट्रीज विल बी कम ओवर ऑन दैट पर्टिकुलर कॉमन मार्केट प्लेस, दुनिया के दूसरे देश कॉमन मार्केट में व्यापार करने क्यों आएंगे। वो आएंगे इसलिए बिकॉज जिस देश ने कॉमन मार्केट क्रिएट कराया, दे विल प्रोवाइड सम सर्टेन सब्सिडीज, सर्टेन लेबर एट ए चीपर प्राइसेस, एंड सर्टेन रिबेट्स ऑन द टैक्सेस, ठीक है। तो तभी तो कोई आपके देश में व्यापार करने आएगा। प्रतिमा, दुनिया का कोई भी देश एक कॉमन मार्केट क्रिएट कर सकता है। जिसको भी लगता है कि कुछ एरिया जिसका अंडर डेवलप्ड पड़ा है, उसको लगता है कि हम लोग कुछ सस्ता जमीन देकर, सस्ता टैक्सेस में छूट देके, सस्ती लेबर प्रोवाइड करके हम दुनिया के दूसरे देशों को अट्रैक्ट करके अपने देश में व्यापार करवा सकते हैं, तो दुनिया का कोई भी देश एक कॉमन मार्केट क्रिएट कर सकता है। हमने आपको एग्जाम्पल बताया, कैरीकॉम, CARICOM, कैरेबियन कम्युनिटीज ऑफ कॉमन मार्केट, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कॉमन मार्केट, समझ गए होंगे कि कॉमन मार्केट हम लोग काय के लिए बनाते हैं, जब अंडर डेवलप्ड एरिया को डेवलप करते हैं, दुनिया का कोई देश कॉमन मार्केट में व्यापार करने क्यों आएगा, वो आएगा तभी जब उसको सस्ता जमीन मिलेगा। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का नाम सुना होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी कहीं ना कहीं इसी तरह काम करता है, ठीक है। तो कॉमन मार्केट हैज नो बैरियर्स टू ट्रेड अमॉन्ग द मेंबर्स एंड हैज ए कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसीज, and the factor of productions are movable among the members, and member of a common market must be prepared to cooperate closely in the monetary, fiscal and employment policies, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक यूनियंस की। इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है, फोर्थ हो गया कॉमन मार्केट के बाद, पांचवा लास्ट है हमारा इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन इज द एडवांस स्टेज ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। दो इकोनॉमिक यूनियन में क्या होता है, द क्रिएशन ऑफ ट्रू इकोनॉमिक यूनियन रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज इन एडिशन टू द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अंडर दिस यूनियन मेंबर्स वुड हार्मोनाइज मॉनेटरी पॉलिसीज, टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एंड अ कॉमन करेंसी वुड बी यूज बाय द ऑल मेंबर्स, ठीक है। यस, देयर आर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग शिवानी, देयर आर मेनी स्टूडेंट हू हैव जॉइंड वेरी लेट। तो आप लोग कल का लेक्चर स्टार्ट करिए। इसके अलावा ये भी वीडियो हमारे यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, उसके अलावा भी हमारा रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का 2-3 वीडियो यूट्यूब पर और भी पड़ा है, उसको भी डिटेल में आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि इकोनॉमिक यूनियन जो हमारा सबसे आखिरी और सबसे एडवांस स्टेज है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, इसमें क्या होता है। इसका एग्जाम्पल नोट करिए, यूरोपियन यूनियन, EU, यूरोपियन यूनियन इज एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन हम लोग क्रिएट करते हैं जब हम लोग बात कोशिश करते हैं कि दुनिया के सारे देश, दुनिया के जितने देश एक इकोनॉमिक यूनियन क्रिएट कर रहे हैं, दे ऑलवेज लुकिंग फॉर द पैरेलल ग्रोथ, एक समान ग्रोथ की बात करते हैं। दे ऑलवेज लुकिंग फॉर सम पैरेलल ग्रोथ, अ बैलेंस ग्रोथ अमॉन्ग ऑल द नेशंस हु आर द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन।
तो हम लोग इकोनॉमिक यूनियन क्रिएट करने का हमारे एक सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि दुनिया के जो भी देश इकोनॉमिक यूनियन क्रिएट करते हैं वो कोशिश करते हैं कि एक समान ग्रोथ सारे देशों में बना रहे। तो इकोनॉमिक यूनियन में हम लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं एक ये पूरा ओवरऑल कहीं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को प्रमोट करने के लिए होता है। कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। देर इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, देर इज फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, देर इज फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज, देर इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शंस। ठीक है, उसके अलावा दुनिया के जितने सारे देश आपस में मिलकर इकोनॉमिक यूनियन बनाते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज भी एक जैसी रखते हैं। टैक्सेशन सिस्टम एक जैसा है, मतलब जैसे यूरोपियन यूनियन की हम लोग बात करेंगे तो पूरे यूरोप में एक जैसा टैक्स चल रहा है, पूरे यूरोप में मॉनेटरी पॉलिसी एक जैसी है, पूरे यूरोप में फिस्कल पॉलिसी एक जैसी है, पूरे यूरोप में एक करेंसी चलती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि समटाइम्स क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग इकोनॉमिक यूनियन फॉर्म करने का कोशिश करते हैं, हम लोग एक कॉमन करेंसी, जैसे दुनिया के हर देश में अलग अलग करेंसी होती है, बट हम लोग इकोनॉमिक यूनियन के तहत क्या करते हैं कि एक करेंसी की बात करते हैं कि दुनिया में केवल पूरे इकोनॉमिक यूनियन के दौरान देर विल बी ए वन कॉमन करेंसी फॉर अक्रॉस द इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, तो इकोनॉमिक यूनियन समझ गया। इकोनॉमिक यूनियन का मेन मुद्दा होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग एक है पैरेलल ग्रोथ की बात करते हैं अमॉन्ग ऑल द नेशंस हु आर द मेंबर ऑफ इकोनॉमिक यूनियन। जितने कंट्री मेंबर बन रही है उनके उनके लिए उनके सारे कंट्रीज के बीच में एक समान ग्रोथ बनी रहे। देर शुड बी फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, देर शुड बी फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, देर शुड बी फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। दुनिया का एक इंसान, मतलब एक जिन कंट्रीज ने इकोनॉमिक यूनियन बनाया उन कंट्री का एक एक तरफ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में व्यापार करने जा सके, नौकरी करने जा सके, देर विल बी ए मूवमेंट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन ऑल्सो। उसके अलावा दुनिया के सारे देश जो भी इकोनॉमिक यूनियन के अंतर्गत आते हैं दे हैव टू बी फॉलो द वन कॉमन टैक्सेशन पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कहीं ना कहीं वो लोग एक कॉमन करेंसी भी यूज करते हैं। इसीलिए देखिए दुनिया का कोई भी देश अब यूरोपियन यूनियन से ट्रेड करता है उनको ट्रेड किस में करना पड़ता है, यूरो में ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पूरे यूरो अक्रॉस द यूरोपियन यूनियन केवल एक करेंसी चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरो। ठीक है, तो इकोनॉमिक यूनियन समझ गया। तो ये पांचों हो गए हमारे, पांचों में प्रेफरेंशियल ट्रेड एक, अब दोबारा मैं बता रहा जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है तो दोबारा एक 5 मिनट में पूरा इसको हम एक बार समराइज कर रहे हैं। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है कि जब दो या दो से ज्यादा देश आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। फ्री ट्रेड को जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को प्रमोट करना होता है, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल की बात करते हैं, तो हम लोग एक रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फॉर्म करते हैं। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की 5 लेयर्स होती हैं, हम लोग 5 तरीके से रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को फॉर्म कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट एंड इकोनॉमिक यूनियन, 5 है। तो इसमें सबसे लोएस्ट लेयर्स होती है वो प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट होता है, सबसे हाइएस्ट लेयर होती है वो हमारी इकोनॉमिक यूनियन होती है। प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट में बताया था हमने कि जब दो या दो से ज्यादा देश आपस जब सॉरी सब दो दो देश आपस में मिलकर एक समझौता कर लेते हैं। अग्रीमेंट में हम लोगों को पता है कि वी ऑलवेज रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 कंट्री, जब भी कोई अग्रीमेंट बनाएंगे हमको मिनिमम 2 देश चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो हम लोग प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट के तहत क्या करते हैं, जब 2 देश आपस में मिलकर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक समझौता कर लेते हैं कि जब भी हम इन गुड्स एंड सर्विसेज का कोई इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, अगर आप हमारे देश में सामान भेजोगे तो हम आपसे टैक्सेस नहीं लेंगे, और जब हम आपके देश में सामान भेजेंगे तो आप इन पे टैक्सेस कम लेंगे या नहीं लेंगे, जो भी आपने समझौता किया है। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट इज ऑल अबाउट द अग्रीमेंट बिटवीन द 2 कंट्रीज व्हेन एवर दे विल डू ट्रेड विद सर्टेन कमोडिटीज फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एरिया में बताया, जब दो या दो से ज्यादा देश आपस में मिलकर एक अग्रीमेंट कर लेते हैं, जैसे नाफ्टा का एग्जाम्पल दिया था हमने कि आपस में फ्री ट्रेड की बात करेंगे, बट दुनिया के जब ये जो मेंबर है जब वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार करेंगे दे कैन फॉलो देयर ओन पॉलिसीज। यस हाँ, अदर लेवल्स में करेंसी डिफरेंस होती है। यस प्रतिमा, दे अपना अपना करेंसी होता है, कोई डिफरेंस करेंसी होती है, मतलब जैसे फ्री ट्रेड एरिया की बात करेंगे हम लोग तो इसमें यूएस की अपनी करेंसी चल रहा है, मैक्सिको का अलग करेंसी चल रहा है, कनाडा का अलग करेंसी चल रहा है। ठीक है भाई, हमने कस्टम यूनियन की बात करेंगे। कस्टम यूनियन में क्या होता है, जब आपस में कस्टम यूनियन हम लोग बनाते हैं जब हम लोग कहीं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी डिमांड क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए हम उसको कस्टम यूनियन क्रिएट करते हैं। तो कस्टम यूनियन के अंतर्गत जो कंपनी होती है, कंट्री देश होते हैं, वो आपस में जितने भी टैक्स ड्यूटीज लेना चाहे ले सकते हैं, बट वो देश दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं, दे हैव टू बी फॉलो द कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स।
कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स, ठीक है, हमने आपको बताया भी था, मतलब दे आपस में भी अलग आपस में तो पॉलिसी होगी, बट व्हेनेवर दे विल डू ट्रेड विद द नॉन मेंबर कंट्री दे हैव टू बी फॉलो द कॉमन पॉलिसीज. फिर हमने कॉमन मार्केट बताया टू डेवलप द अंडर डेवलप्ड एरियाज. कॉमन मार्केट वी ऑलवेज क्रिएट जस्ट बिकॉज ऑफ टू डेवलप द अंडर डेवलप्ड एरिया, और देयर विल बी ए कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसीज फॉर अक्रॉस द ऑल मेंबर. दुनिया के सारे देशों के लिए एक जैसी पॉलिसी हम इसमें रखेंगे कॉमन मार्केट के अंतर्गत. इकोनॉमिक यूनियन हमारा सबसे एडवांस स्टेज होता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का. इसमें हम लोग फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल की बात करते हैं, फैक्टर प्रोडक्शन को हम लोग फ्री मूवमेंट की बात करते हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं इसमें बात करते हैं देर शुड बी सम पैरेलल ग्रोथ, एक समान ग्रोथ रहे दुनिया के जो भी देश है. इसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया यूरोपियन यूनियन. इसके अंतर्गत हमने बताया दुनिया के जितने सारे देश आपस में मिलकर व्यापार करेंगे वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस ग्रोथ की बात करते हैं. देर शुड बी सम पैरेलल ग्रोथ की बात करते हैं, देर शुड बी एक जैसी एक समान ग्रोथ रहे. एक समान ग्रोथ रहने के लिए वो लोग क्या करते हैं कहीं ना कहीं एक जैसी पॉलिसीज बनाते हैं, एक जैसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, एक जैसी फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं, टैक्सेशन सिस्टम भी एक समान होता है, और यहां तक कि वो लोग एक कॉमन करेंसी यूज करते हैं अक्रॉस द इकोनॉमिक यूनियन. अब हम लोग बात करते हैं आर्गुमेंट्स सराउंडिंग द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, मतलब आर्गुमेंट्स क्या है इसमें. मतलब बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तर्क वितर्क दिए हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए. तो इसमें एक है ट्रेड क्रिएशन, ट्रेड डाइवर्जन, द इफेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑन द इंपोर्ट प्राइसेस, कंपटीशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड फैक्टर प्रोडक्टिविटी, द बेनिफिट ऑफ रीजनलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म. तो हम लोग पहले बात करते हैं कि ट्रेड क्रिएशन क्या होता है, ट्रेड डाइवर्जन क्या होता है. इससे क्वेश्चन पूछा चुका है कि ट्रेड क्रिएशन क्या होता है और ट्रेड डाइवर्जन क्या होता है. पहले सुनिए ट्रेड क्रिएशन क्या होता है. देखिए इसको छोड़िए यहां पे, कोई आप मुद्दा ये समझिए कि एडवांटेज क्या है. ट्रेड क्रिएशन एडवांटेज है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का. कोई पूछता है कि इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है. तो जो ट्रेड क्रिएशन है वो एडवांटेज है किसका, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का. कहीं ना कहीं जब हम लोग आपस में मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करेंगे और टैक्सेशन में छूट देंगे तो क्या होगा, दुनिया की एक देश से कंपनियां दूसरे देशों में व्यापार करना जाएंगी. तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि भारत की कंपनी, भारत ने, श्रीलंका ने, पाकिस्तान ने, सऊदी अरबिया ने कोई ग्रुप फॉर्म कर लिया कि ठीक है आपस में हम लोग ट्रेड करेंगे, कहीं ना कहीं टैक्सेस को, टैक्सेस और ड्यूटीज में आपको हम छूट देंगे, रिबेट देंगे. जब कोई भारतीय कंपनी सऊदी अरबिया में जाके व्यापार करती है तो देयर विल बी क्रिएशन ऑफ ट्रेड. ऐसी सऊदी अरबिया की भारत में कोई कंपनी व्यापार करने आएगी तो देयर विल बी ए ट्रेड क्रिएशन. तो ट्रेड क्रिएशन इज अ एडवांटेज ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, समझ गए. तो ट्रेड क्रिएशन क्या हुआ कि जब जस्ट बिकॉज ऑफ टू क्रिएशन ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कंपनीज, जो भी कंपनी है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं, वो एक देश से दूसरे देश में जाकर व्यापार करेंगे. तो जिस देश में जाकर व्यापार करेंगे उस देश में क्या होगा, ट्रेड क्रिएशन. इसका उल्टा हुआ ट्रेड डाइवर्जन. ट्रेड डाइवर्जन क्या है, डिसएडवांटेज है. याद रखिएगा ट्रेड डाइवर्जन डिसएडवांटेज है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का. क्योंकि भाई अगर एक कंट्री से, एक देश से दूसरे देश में कंपनी मूव कर रही है तो कहीं ना कहीं ट्रेड डाइवर्टिंग फ्रॉम इंडिया टू सऊदी अरेबिया. तो सऊदी अरेबिया के लिए जो ट्रेड क्रिएशन है भाई, भारत के लिए क्या होगा, ट्रेड डाइवर्जन, समझ गए. ऐसे जब हम लोग आपस में एक वीजा की फॉर्मेलिटी, आज हम लोग अमेरिका में क्यों बिजनेस करने नहीं जा पा रहे हैं, अमेरिका में नौकरी करने क्यों नहीं जा पा रहे हैं, वीजा की फॉर्मेलिटीज है. अगर भारत किसी भी तरह से कोई रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फॉर्म कर ले यहां से, भारत और अमेरिका के बीच में, तो भारत के लोग भी इजिली अमेरिका जा सकते हैं, भारत के लोग इजिली अमेरिका में व्यापार कर सकते हैं. तो अगर भारतीय कंपनी सीधे अमेरिका में व्यापार कर रही तो अमेरिका के लिए हो गया ट्रेड क्रिएशन, और भारत अगर वो कर, और भारत के लिए क्या हो गया, ट्रेड डाइवर्जन. क्योंकि अगर वो अगर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ना हुआ होता तो वो भारतीय कंपनी भारत में व्यापार कर रही होती तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी भारत में होता, टैक्सेस भी भारत में मिलता, ग्रोथ भी भारत में होती. इसी को कहते हैं हम लोग ट्रेड डाइवर्जन, ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन, समझ गए. ट्रेड क्रिएशन इज अ पॉजिटिव इन अ मूविंग टूवर्ड्स फ्री ट्रेड एंड देयरफॉर लोअर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर विद इन द यूरोपियन यूनियन, द इंपैक्ट ऑफ ट्रेड डाइवर्जन इज निगेटिव. सिंपल समझा दिया हमने आपको, ट्रेड क्रिएशन हमारा पॉजिटिव मैनर में होता है, ट्रेड डाइवर्जन हमारा निगेटिवली होता है. क्लियर. फिर यह है कि इंक्रीज कॉम्पिटिशन द इकोनॉमी ऑफ स्केल, मतलब यह कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के चक्कर में कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है, एक इकोनॉमी ऑफ स्केल आपको अचीव करना पड़ता है, हो ही रहा है भाई. जब आपके देश में भारत बाहर की कंपनी आपके देश में बहुत ज्यादा व्यापार करने आएंगी
वो आएंगे क्यों? कहीं ना कहीं आपने आपके आपके देश ने एक समझौता करके रखा है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के तहत कि हम आपको टैक्सेस और ड्यूटीज में छूट देंगे, तो कहीं ना कहीं दुनिया के दूसरे देशों की कंपनी आपके देश में व्यापार करने आएंगे, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज द कॉम्पिटिशन एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल। ये सब नहीं पढ़ना है आपको, इसमें केवल पढ़ना है कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है, एडवांटेज ट्रेड क्रिएशन हो गया, डिसएडवांटेज ट्रेड डाइवर्जन हो गया, व्हाट आर द फाइव लेयर्स, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एरिया भाई, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट एंड इकोनॉमिक यूनियन। तो दीज आर द फाइव लेयर्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो आप लोगों को कोई डाउट तो प्लीज बताइए। If anybody is having any doubt, तो प्लीज बताइए, अदरवाइज हम लोग कल दूसरे टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। दिन में केवल एक ही टॉपिक पढ़ाया जाएगा, आज थोड़ा डिले हो गया, तो सॉरी फॉर दैट, बट सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कॉस्ट, और वी विल मीट यू बाय द टुमारो विद अ वेरी न्यू टॉपिक। इसका पीपीटी हम आपको भेज दे रहे हैं ग्रुप में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वी विल मीट यू बाय द टुमारो प्रॉब्ली बाय द सेम टाइम।